हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज मैं आपके साथ एक बहुत सिंपल होम डीआईवाई शेयर कर रही हूँ, जो है ऑयल। गाइस, ये एक बहुत रिक्वेस्टिंग वीडियो है। बहुत लोगों ने मुझसे बोला कि मैम, आपने फेस के लिए बहुत सारा वीडियो आपने बताया है, और प्लीज़ बालों के लिए भी कुछ बता दीजिए। तो आज मैं सोच रही हूँ कि आपके साथ एक ऑयल शेयर किया जाए, जो मैं बनाऊँगी ये प्याज से। गाइस, बालों को लेके आजकल हर कोई बहुत ज़्यादा परेशान है, और हेयर फॉल की समस्या आजकल हर किसी को है। उसके कई कारण हैं, जैसे कि बालों को पोषण ना मिलना, बालों का जो है बालों पे बहुत सारे केमिकल यूज़ करना, और जो भी आप ऑयल यूज़ कर रहे हैं या शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, क्या वो आपके बालों पे अच्छे से काम कर रहा है? तो अगर आपके साथ भी अगर यही सारी प्रॉब्लम है, तो गाइस ये वीडियो सिर्फ आपके लिए, और इसे बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, लास्ट तक आप इसको देखिएगा। लास्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि आपको एक टिप मैं बताऊँगी जिसके। तो गाइस चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे ले लूँगी प्याज। ये मैंने मीडियम साइज़ का प्याज लिया हुआ है, और मैं इसे 15 दिन के लिए बनाऊँगी। अगर आप एक महीने के लिए बना रहे हैं, तो आप एक बड़ा साइज़ का प्याज आप ले लीजिए। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी कोकोनट ऑयल। मैंने यहाँ पे पैराशूट का लिया हुआ है, आप कोई भी दूसरी कंपनी का जो भी आप लगाते हैं, आप उसे ले सकते हैं। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी कैस्टर ऑयल। गाइस, ये बहुत थिक होता है, इसे डायरेक्ट अपने बालों पे नहीं अप्लाई कर सकते आप, तो इसे किसी भी ऑयल में आप इसको मिक्स करके लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कैस्टर ऑयल लिया हुआ है। और उसके बाद, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि विटामिन ई की कैप्सूल हमारे फेस के लिए, बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, और डालें तो मैं यहाँ पर 2 कैप्सूल इसमें यूज़ करूँगी। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो मैं यहाँ पर प्याज को अच्छे से छील लूँगी, और इसको आप छीलने के बाद ग्रेट कर सकते हैं। अगर आप ग्रेट नहीं कर रहे हैं, तो आप इसको मिक्सी में पीस लीजिए। मैं इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लूँगी। और गाइस, आप बिल्कुल भी इसमें, आपको ध्यान रखना है कि आपको बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं डालना है, और इसको आपको ऐसे ही मिक्सी में पीस लेना है। तो गाइस, मैंने यहाँ पर गैस ऑन कर लिया है, और अब मैं इसमें नारियल का तेल डाल दूँगी। ठंड की वजह से थोड़ा सा ये जम गया है, और मैं यहाँ पे इसका आधा नारियल का तेल यूज़ करूँगी, क्योंकि मैं इसे 15 से 20 दिनों के लिए बना रही हूँ। अगर आप एक महीने के लिए बना रहे हैं, तो आप इसकी क्वांटिटी थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। तो गाइस, ऑयल थोड़ा सा गर्म हो गया है, अब हम इसमें इस प्याज का पेस्ट डाल देंगे। और आपको ध्यान रखना है कि आपको बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं डालना है। मैं इसको यहाँ पे बनाने के लिए नॉनस्टिक का मैंने पैन लिया हुआ है, और आप कोशिश करिए कि आप लोहे की कढ़ाई ले लीजिए, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में आयरन होता है, जो कि हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मेरे पास लोहे की कढ़ाई अभी नहीं है, तो मैं इसमें नॉनस्टिक पैन में ही मैं इसको अच्छे से बना लूँगी। और इसको गाइस हमें धीमी आँच पर तब तक पकाना है, जब तक ये प्याज जो है हल्का ब्राउन नहीं हो जाता, और बिल्कुल भी इसे जलाना नहीं है। गैस का फ्लेम हमें बिल्कुल लो ही रखना है। और इस तो गाइस देखिए, 2 मिनट हो गए हैं, मैंने इसे अच्छे से इसने पका लिया है, ये हल्का हल्का ब्राउन होना शुरू हो गया है, और हमें इसे धीमी आंच पे ही पकाना है, ताकि प्याज के सारे जो अच्छे अच्छे गुण है, वो ऑयल के अंदर आ जाएं। और ध्यान रखिए, आपको बिल्कुल भी इसे जलाना नहीं है, धीमी आंच पे ही आपको इसे अच्छे से पका लेना है, जब तक कि प्याज हमारा ब्राउन नहीं हो जाता। तो गाइस, आप देख सकते हैं ये अच्छे से ब्राउन हो चुका है, और अब हम गैस बंद कर देंगे, और ये ठंडा हो जाए तो फिर हम इसे छन्नी से छान लेंगे। तो गाइस, ये ठंडा हो चुका है, अब मैं इसमें कैस्टर ऑयल डालूंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आधी कटोरी तेल यहाँ पे बन गया है, और मैं इसमें 2 चम्मच कैस्टर ऑयल डालूंगी। और उसके बाद मैं इसमें डालूंगी विटामिन ई की कैप्सूल।
इसका पूरा ऑयल आपको निकाल लेना है। और इन सबको आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद मैं इसको कांच की शीशी में यहाँ रख लूँगी, और कांच की शीशी में ही आप इसको जो है स्टोर करके रखिए। और कोशिश करिए कि आप इसको जब धुलने के बाद आप ये ध्यान रखिए कि इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। अगर मॉइस्चर थोड़ा सा भी हुआ तो आपको ऑयल ख़राब हो जाएगा। तो मैंने इसे कांच की बोतल में रख लिया है, और इसे कम से कम आप 15 से 20 दिनों के लिए स्टोर कर सकते हैं। और जब भी आप जो है आपको ऑयल जब आपको लगाना हो तो इसको हल्का सा कटोरी में लेके गुनगुना कर लीजिए। और इस वक्त थोड़ी सी सर्दी है तो गुनगुना तेल ही मैं आपको वो रेकमेंड करूँगी कि आप गुनगुना ऑयल ही अपने बालों पे लगाइए। और जब भी आपको लगाना हो हल्के हल्के हाथों से आपको जो है मसाज करते हुए अपने बालों पे ऑयल जो है लगा लेना है। गाइस, बाल टूटने के एक और भी कारण है, जैसे कि हम लोग बाल वॉश करते हैं या जब भी हम लोग अपने बालों पे ऑयलिंग करते हैं तो उसके तुरंत बाद हमें कंघी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस वक्त हमारी जो बालों की जो जड़ें हैं वो थोड़ी कमज़ोर होती हैं। और उस वक्त हम जब अपने बालों पे कंघी करते हैं तो बालों के कमज़ोर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो जब भी आप कोशिश करें कि बाल अपने आप वॉश कर लीजिए, उसके बाद जब आपके बाल अच्छे से सूख जाएँ उसके बाद ही आप बालों पर कंघी करें। अगर आप ऑयलिंग कर रहे हैं तो ओवरनाइट अगर आपको ऑयल रखना है अपने बालों पे तो आप ऑयलिंग करने के बाद आप उसको ओवरनाइट ऐसे ही छोड़ दीजिए, और अगले दिन आपको जो है कंघी कर लेना है या वॉश करना है, जो भी आप करना चाहते हैं आप कर लीजिए। तो गाइज, उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी मेरी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये थोड़ी सी भी अच्छी लगी, थोड़ी सी भी अगर आप इस वीडियो से अगर आपकी हेल्प हो पाई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिए, और इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।